हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चावल के आटे के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है और उसी कटोरी से मैंने 11 कटोरी पानी लिया है, जिसमें से 2 कटोरी पानी मैं अभी ऐड कर रही हूँ। 1 कटोरी मैंने ऐड कर दिया आटा को पानी में घोलने में। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर इकट्ठे हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारे आटे अच्छे से उसमें मिक्स नहीं हो पाएंगे और उसमें छोटे छोटे फुटकी फुटका रह जाएंगे, जैसे कि लम्स रह जाएंगे, तो हमें वो नहीं करना है। इसलिए हम पहले थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से घोलेंगे और उसके बाद हम आराम से सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। आप भी इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा। आप अगर चाहें इसको फ्लेवरफुल बनाना है तो आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। इसमें करी लीव्स भी बहुत अच्छी लगती है। आप काले या सफ़ेद तिल भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे भी बना के आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसे बिल्कुल ही प्लेन रख रही हूँ क्योंकि प्लेन भी अच्छा लगता है। सफ़ेद रंग का पापड़ भी बहुत अच्छा बन के आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाऊंगी, इसलिए ये अब थोड़ा सा पकने लगा है। अब जब ये हल्का सा पकने लगेगा तब मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने भी थोड़ा सा पहले कलर तो घोला है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल के देख रही हूँ कि बहुत डार्क शेड तो नहीं आ रहा इसका। अब मैं इसमें थोड़ा और कलर ऐड करूँगी। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल धानी रंग जैसा मुझे चाहिए वैसा हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मुझे इसको चलाते हुए लगभग 30 मिनट हो गई हैं। अब मैं इसको अच्छे से चला चला के पका चुकी हूँ। ये देखिए हमारा बैटर भी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल पापड़ बनाने लायक हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, तब हम इसके पापड़ बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक लिया है, उसको मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है ताकि हमारे पापड़ उस पर चिपके ना। और अब उसमें से मैं एक ही कलछुल पापड़ का बैटर डालूंगी और उसको फैला दूंगी और अच्छे से सुखा दूंगी। ये देखिए हमारे पापड़ बिल्कुल सूख गए हैं। सूख के ये बहुत ही अच्छे रंग का आ गया है और अगर आप इसको देखेंगे ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि खूब पतले पतले पापड़ हुए हैं। और ये अभी कितने छोटे लग रहे हैं, अगर मैं अभी इसको फ्राई कर दूंगी तो आप देखिए ये कितने अच्छे खिल के बड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसी तरह से अपने पापड़ को फ्राई करके निकाल लिया है। और आप अगर एक बार इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो आपके चावल के आटे के पापड़ बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब मैं एक और कना आपको पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये पापड़ फूल के मेरे बड़े बड़े हो जा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अपने सारे पापड़ को फ्राई कर लिया है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक सब्सक्राइब।